लिविंग बेस्ट लाइफ। सुनो जी, एक प्लेट पर तीसी तक खवाए दो। हेलो भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, स्वागत आप सबका नए व्लॉग में। और वापस आ चुका हूँ मैं गुड़गांव। वैसे तो रात को ही आ गया था गुड़गांव, गुड्डू को वापस कर दिया था कॉलेज ड्रॉप, और सुबह सुबह भी निकल गया था बिना नहाए धोए एक काम से। एक बार मिलो गाड़ी और इनसाइड दे दो। तो क्या कह रहा था, हाँ सुबह सुबह एक काम से निकल चुका था बिना नहाए धोए ही, और अब जा रहा हूँ वापस घर। लंच वंच करूँगा, खाना वाना खाऊँगा। पर भाई मौसम ही सारा लग गया ना, मतलब सुबह के 9 बजे भी साए, दोपहर के 2 बजे भी साए, शाम के 4-5 बजे भी साए, 6 बजे तो अंधेरा हो गया। मेरे ख्याल तो 5:45 उलता होगा। आंटी देख के, आंटी एंडेवर चला रही थी, बिल्कुल चिपका के निकाल दी, और वो भी लाफ्टर के साथ, स्माइल भी नहीं कहूँगा, लाफ्टर। एक भाई, अगर तुमको तारीख पता करनी हो ना कौन सी तारीख चल रही है, तो किसी प्राइवेट बड़ी सी कंपनी के आगे से निकल जाओ। जो बाहर से बच्चे लवंदर से बाहर आ रहे होंगे ना एम्प्लॉयज, उनकी शक्ल पे लिखा होगा पहला हफ्ता चल रहा है महीने का, कि आखिरी हफ्ता चल रहा है। पहले हफ्ते में तो इसे पाओगे कि खेलते ओए होए, ताजी ताजी अकाउंट में क्रेडिट हो तनखा, मैसेज आओ टन टन, अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड विद फला 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 अमाउंट। तो इनके चेहरे पर बढ़िया मुस्कान, ये पार्टी पुर्टी भी करने जाओगे इनको कभी खेलते। और जो आखिरी हफ्ता होगा ना, उनमें इनकी मौसी जी मरी रहेगी। ये ब्रेक पाओगे ना, जब चाय सुट्टा ब्रेक जो होता है, फेमस जो सेइंग है कॉर्पोरेट कल्चर में, चल चाय सुट्टा पीने चलते हैं। जब इनके ब्रेक, जब ये आवे ब्रेक पे, जब देखा करो भाई, जो कर तो इनका नाश हो गया कति, तो मेरा पड़ जाए महीने की शुरुआत चल रही है का आखिर चल रहा है। और मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा रिलेट ऐसे कर पा रहा हूँ क्योंकि दो साल मैंने भी जॉब कर रखी है, तो पता है हमें अंदर की बातें। मतलब कंपनी में बाड़क नहीं हुआ यार, थे पहला हफ्ता स्टार्ट होते तो नहीं देखे यार, थे कितने बैठे हैं, कौन सी बोतल है और कितने का पैग है, ले कार्ड स्वाइप चल। हर आखिरी हफ्ता आते आते तो एक दूसरे के अंदर क्या करते, भाई बियर प्या दे यार, ना भाई तू प्या दे, मैं अगले हफ्ते प्या दूंगा। और इतना बुंडा नाच रहा यार था। लेकिन उनमें कई बाड़क इसे भी यार थे जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा आया करती, खर्चे बिल्कुल कम हुआ करते। मतलब कहने की बात ये, उनके अकाउंट में पैसे होते थे लेकिन आखिरी हफ्ता आते ही वे भी इसे हो जाया करते, ओहो मर गया, नाश हो गया, क्या जिंदगी है, क्या नौकरी है, बेकार नौकरी है, हम तो कुत्ता जीवन जी रहे हैं। ना इतनी कमी दिख जाएगी अपनी नौकरी में और अपने जीवन में, बहुत गणी। और पहला हफ्ता आते फिर राजा बेटा हो जाएंगे। स्टोरी स्टोरी भी इसी गिरेंगे व्हाट्सएप पे, इस पे इंस्टाग्राम पे, लिविंग बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। वाह भाई वाह, हो गया भैया। यार मैं कहीं येलो डालनी थी, इसकी जगह ये डल गई, अब दोनों की अलग अलग हो गई। ओ बुड्ढू था, स्ट्राइप्स। और वो बैक होम लंच बेड पे मंगवा लिया, सिमरन पीछे सो रही है। और अब कितनी बार नहाने धोने में हो गया आज भाई, थोड़ा लेट शाम हो चुकी है, बच चुके हैं 6 और बाहर हो चुका है हालांकि अंधेरा। और भाई इस तरह पहले मर्डर लग कर आने वाली बात है, तौलिया सुखा दें। चलते 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 का मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, अच्छा आपको तो भी नहीं बताना कहाँ जा रहा हूँ, तो बताता हूँ। मतलब सारे दिन मैंने ऑलमोस्ट घर से ही काम किया, ऑनलाइन कुछ चीज़ें सर्च आउट की थी, और घड़ी बांध लो एक मिनट जाओ। और सही बताऊँ तो कुछ मूड भी खास नहीं था, तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा चेंज के लिए अक्सर मेरे। तो भाई जिस भी दिन मैं थोड़ा सा यूँ लो फील कर रहा हूँ ना, कि मूड सा नहीं आज, तो कहीं जाने का, किसी से मिलने का, बात करने का, तो मैं यहीं सेक्टर 56 के मार्केट में जो है टी पॉइंट, लक्ष्मण टी पॉइंट, मेरे पिछले ब्लॉग्स में लोगों ने देखा होगा, वहीं जाके बैठ जाता हूँ। ठीक हलचल सी होती है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तेरे को मतलब ये कंटेंट कहाँ से मिलता है, तो 90% ऑफ द कंटेंट आसपास की दुनियादारी से ही मिलता है, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ पा रहे हो। मतलब आपके आसपास इतने लोग ज़रूर होंगे कि मतलब आपको चीज़ें कुछ ना कुछ नोटिस होती रहेंगी, बस आपकी आपका दिमाग मतलब इतना सेंटर में होना चाहिए कि जैसी वो चीज़ हो आप उसको पकड़ लो, तो कुछ ना कुछ बात मिल ही जाती है। और वैसे मैं वहीं जाके बैठना प्रेफर करता हूँ, उसकी कॉफ़ी बढ़िया है। और हालांकि मौसम अब चेंज हो चुका है, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं पीऊँगा, हॉट कॉफ़ी पीऊँगा, इसीलिए मैंने शर्ट पहनी है, थोड़ी सी मोटे कपड़े में है। वहाँ इस तरह पहले रीट पड़े, अपना प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद अपना करेंगे Q&A राउंड, जो कि अपनी वीडियो का टाइटल भी है,
तो पहले क्यों ना करेंगे, पहले कॉफ़ी पी लूँ, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं ठीक है, फिर कर लेते हैं क्यों ना, बुरा तो नहीं मान जाओगे। ओ भाई मैं तो भूल गया था, करवा चौथ भी है आज कल में, मतलब आज आज मैं दिलवा हूँ तो इसका मतलब काल है, थुक्की पड़ी है भाई पूरी मार्केट, मतलब गाड़ी खड़ी करके रोड पे मार्केट में बड़न खातर में तीन में भीतर पड़ा हूँ और तीन में वापस लेके आया, क्योंकि आगे बंद इतनी कुर्सी लगा रखी है मेहंदी वाला ने, सब कुछ ब्लॉक्ड है। फोन आ गया, एक फोन उठा लेता हूँ भाई, बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ लुगाई भी, मतलब भी बाढ़ आ गया मेहंदी लगा देती दोनों हाथा पे कूनी आती, इन सारे ने जितनी दिखे हैं और इन में तो घनघरी हुए भी तो हैं चटोरी फिर चलती हंडू करेंगी। सुनो जी एक प्लेट पतीसी तो खवाए दो, फिर वो गैल वाला सारा तो सामान ठाओ आऊगा, फिर एक एक पतीसी खवाओगा उन्हें, बहुत टफ है भाई बहुत टफ है। जितने मेरे भाई सिंगल है ना और ये वीडियो देख रहे हैं थम्स अप। हाँ जी तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यू एन ए राउंड, और मैंने वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए जो मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करने सारे। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, इट्स के डी 2021, मतलब इतनी क्रिएटिव मेरी वीडियोस नहीं होती भाई जितने तारे प्रोफाइल के नाम हुए, पर चलो कोई नहीं। आपका सवाल है योर जर्नी फ्रॉम रोहतक टू गुड़गांव, तो जर्नी कुछ इस प्रकार थी भाई, 2015 कुछ की बात है और मेरे बीटेक का लास्ट ईयर था और मैंने जॉब स्टार्ट की थी और मैंने तकरीबन 2 साल जॉब की थी अमेरिकन एयर ट्रैवल में, जिसका कोई प्लान नहीं था, सडन डिसीजन था लाइफ का, लेकिन कुछ बस था ही जो मुझे गुड़गांव लेके आ रहा था। 2 साल की जॉब करी उसके बाद से फिर जॉब छोड़ दी थी, लेकिन कोशिश और मेहनत चली रही आज तक, इन शॉर्ट में यही जर्नी है ठीक है। अगला सवाल है भाई YUV_देसवाल्स, यूव देसवाल पता नहीं क्या है, अनसीन पिक और वीडियो विद गौरव का ध्यान। भाई अगर गौरव इस व्लॉग को देखे तो ये सवाल पढ़ के पहले तो गौरव डर जाएगा, क्योंकि मैंने अगर ऐसी कोई भी फोटो या वीडियो डाल दी तो 1 लाख व्यूज तो शायद एक ही दिन में चले जाएंगे, जो आज तक नहीं गए मेरी किसी भी वीडियोज पे। तो मैं व्यूज को ना चुनकर हम दोनों की प्राइवेसी को चुनता हूँ, तो मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा ठीक है, सॉरी भाई। अगला सवाल है दीदे फूट गए फ्लैश आखे मिला के, निशांत राठी 89, भाई आपका आउटफिट बहुत पसंद है भाई, ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और दूसरा मैं ऐसा कोई आउटफिट मतलब कुछ सोच के नहीं लेता हूँ, मतलब जहाँ जो पसंद आ जाए मैं वो ले लेता हूँ, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया, लेकिन आपको पसंद आया वो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मेरे ज़्यादातर कपड़े रोहतक ब्रांड हट के ही होते हैं भाई, बच्चे कुछ मतलब थोड़े रुपये फालतू हों तो सारा पे भटका दिए, और कुछ ऑनलाइन भी ले लिया करता लेकिन अब नहीं लेता, बट ठीक है। तो मतलब लोगों को ये आउटफिट वाले ना ये कॉमेंट कह लो कॉम्प्लीमेंट कह लो बहुत आते हैं, तो अब से मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं कोई भी फ़ोटो डालूँ अगर पोस्ट करूँ इंस्टाग्राम पर, जो कि मैं बहुत रेयर करता हूँ, तो नीचे स्टोर का लोकेशन, स्टोर का नाम और स्टोर का नंबर डाल दिया करूँगा जहाँ से मैंने कपड़ा ख़रीदा होगा, तो तुम भी खरीद लेना ठीक है। बाकी यूँ मत सोचना मैं बात बोल के बहुत सेलिब्रिटी फीलिंग ले रहा हूँ, तुम पूछते हो तो बता रहा हूँ भाई, बाकी सब कोई रोड़ा ना है ठीक है। अगला सवाल है भाई प्राची कौशिक, नेक्स्ट ट्रिप पे कब जाओगे? भाई यो सवाल मेरे से मत पूछो, राणा का चैनल तो है नहीं पर राणा का इंस्टाग्राम अकाउंट है, राणा के अकाउंट पे मारो मैसेज काद्यान का तो है, उसने बसो भाई, इन दोनों ने बसो, किसी का मंगलवार अट जाए, किसी की छुट्टी, किसी के ऑफिस का टास्क अट जाए, अरे इनमें बीच में मैं पिस रहा हूँ भाई। तीन ट्रिप के प्लान्स बिल्कुल 99% कन्फर्म्ड हो चुके हैं, जा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये अकदे हैं भाई, तो तुम इनके डंडा चढ़ाओ। अगला सवाल है भाई साहिल दिया, वाई आर यू नॉट पोस्टिंग न्यू रील्स? यार सही बताऊँ एग्जैक्टली तो मन भी नहीं मेरा, पर बहुत सारे रीज़न है इसके, मतलब एक तो लिखी बहुत हुई है मैंने चीज़ें, मतलब मेरे पास अब भी ज़्यादा नहीं तो 20-25 रील्स तो मतलब मैंने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्यों यार शूट करने का मन नहीं करता, एक मतलब पता नहीं बस करता ही नहीं यार, और उसका एक रीज़न ये भी है कि मतलब इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम धीरे धीरे वो टिकटॉक वाले लेवल पे जा रहा है, तो मैं यूँ देख रहा हूँ कि तुम एक बार कर लो क्या करना चाह रहे हो, जो दुनिया लाग रही है ना उलट सुलट गिरण, थम कर लो पहला, मैं फिर देख लूँगा मैंने क्या करना है, बाकी कल डाल दूंगा 1-2 रील, चलो कल डाल देते हैं। सचिन पवार का है भाई अगला, बेस्ट लोकेशन फॉर ट्रेवल विद फ्रेंड्स, भाई फ्रेंड्स बेस्ट होने चाहिए, लोकेशन तो कोई भी बेस्ट हो जा रहा है भाई, मतलब मेरे तो यार दोस्त इस टाइम इस गाड़ी में ही बैठे होते ना, तो मैं इस रोड साइड भी उतना ही मजा ले सकूं जितना लोग दुबई में भी नहीं ले सकते। अगला है भाई, ओ भाई साहब यो के नाम है, यो मैंने नहीं पढ़ना होगा, ACTRONA_ भी है और 567 सुगन भी है, तो व्हाट्स योर गोल टू बिकम?
देखो यार सही बताऊं, गोल चेंज होते रहते हैं, मतलब मेरे तो बहुत गोल चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे, मतलब मेरा एक सेट गोल है, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सिर्फ कि मुझे एमएलए बनना है। मतलब किसी को एमएलए बनना होगा ना, तो उसका सेट गोल होगा कि उसको एमएलए बनना है। या फिर किसी को अपनी कंपनी का सीईओ बनना होगा, तो उसका सेट गोल होता है कि तेरे को सीईओ बनना है। मेरा इतना स्पेसिफिक गोल नहीं है मतलब लाइफ में, मेरा मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को लेके है कि मेरे को इन चीज़ों में अच्छा करना है या इस चीज़ में अच्छा करना है। बस एक सेट गोल यही है कि यार मतलब मैं माँ बाप को मतलब यूं कर दूं, माँ बाप का, जब मैं माँ बाप वर्ड बोल रहा हूँ तो मतलब मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। उस फैमिली में मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं और मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे सिबलिंग्स भी हैं। मैं उनको मतलब इतना कर दूं कि वो यूं कहे कि हाँ यार आज इसने मजा दिला दिया यार, मतलब मजा आ गया जिंदगी का। बस ये मेरा मतलब अल्टीमेट गोल यही है। अगला है भाई निखिल अंडरस्कोर, बहुत अजीब सा नाम है, नहीं पढ़ पा रहा मैं। भाई साहब 2-3 व्लॉग अपलोड कर दिया करो एक वीक में। भाई अब तो हो रहे हैं, अब तो मैं मानता हूँ कि 3 तो कम से कम हर हफ्ते हो रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये करने की। और प्लीज़ यार तुम भी सारा लगाओ यार, मतलब 10K व्यूज़ तो करवा ही दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वीडियो के नीचे 10K लिखा आता है ना, स्वाद सा आ जाए। अगला है भाई चिराग, ट्रेडिंग करते हो क्या आप या आपके ग्रुप में से कोई? भाई काश मैं अपने दोस्तों को खुद इस वीडियो में टैग कर सकता था। भाई मेरे को छोड़ के मेरा जितना ग्रुप है ना, जितना ग्रुप गौरव भी नहीं करता, मतलब मेरे को और गौरव को छोड़ दो, बाकी सारा ये तो ग्रुप ट्रेडिंग करा है भाई। सारा मतलब सारा, जितने आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्त देखे होंगे फोटो में, रील में, यूट्यूब की वीडियो पे, हर इंसान ट्रेडिंग करा है भाई। और मन नहीं सा लगा उनमें तो कोई से नहीं आती, क्यों? मैं तो जब भी मिलूँ वे रोनते पा रहे हैं भाई, इतने हजार गए, लाख बराबर गए, न्यू हो गया, वो हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, और मेरे को समझ में नहीं आती ये बात। हालांकि समझ तो उनके भी ना आती, पर वे धंताना करे रहे मेरा ना क्यों, पर काश इस टाइम वो मेरे साथ होते, मतलब इस सवाल का जवाब देने में ना इतने स्वाद आ जाते कि ये व्लॉग हिट हो जाता। पर चलो कोई नहीं, ये मैं जब रोहतक जाऊंगा ना तो मैं इस सवाल को दोबारा पूछूंगा उनके सामने। अगला सवाल है इट्स आर्यन, भाई रोहतक में मेरी नानी के थे गज्जक लानी है, कद चक्कर लगा बता दिया है, मतलब थोड़ी सी तो मेरे को वो टैक्सी वाली फीलिंग आ रही है भाई, पर ले आवोंगे भाई। नानी के तो छोड़, तू अपना नाम पता भेज दिए गुड़गांव में कितका है, गज्जक में ही भिजवा दूंगा भाई खातर और पता, ठीक है? खुश ये लाइक कमेंट तो कर दिए कि मैं कती नाच जा रहा है भाई तारा भी। अगला सवाल है प्रिया, क्या उससे प्यार करना ठीक है जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है? देखो यार इस पे मैं दूंगा अपना निजी जवाब, ठीक है? आप सही गलत का जज कर सकते हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यही काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में, मतलब और चाहे कुछ कर लो। ये मेरे को लगता है कि हर गलतियों में से सबसे बड़ी गलती यही होगी आपकी लाइफ में, कि जिस भी चीज़ में आपका फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, जिस भी चीज़ में आपका फ्यूचर नहीं है, आप उसमें अगर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस, तो बहुत पछताओगे, मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत पछताओगे। अगला सवाल है रिया राणा, शादी कब और किससे करोगे आप? क्यों दुखी हो रहे मेरे यार, पढ़ लिख के तो मुझे बढ़िया नौकरी पकड़ लो कोई, जब करूँगा कार्ड छप जाएंगे, सारा गनोता आ जाएगा, चिल लिया करो तुम इन चीज जा, ये टेंशन मेरे खातर छोड़ दो, तुम मत लो, तुम बस मेरे चैनल पर ध्यान दो, इस पर लाइक कमेंट शेयर कर दो तकाजे दे। सिंह वॉली, क्या करते हो, बिजनेस अर्निंग सोर्सेज क्या हैं, एंड आपकी सफारी आई लव इट। बाकी मेरी सफारी कोई अलग नहीं है भाई, मेरी सफारी तो वैसी है जैसी सबकी होती है, मैंने एक भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी इस पे, बट फिर भी आपको पसंद है ये आपका बड़प्पन है। और बिजनेस अर्निंग सोर्सेज बताऊं तो मैं सिर्फ अभी रियल एस्टेट में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनमें ठीक है मैं हाथ पैर चला रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर मैं ग्राउंड रिसर्च कर रहा हूँ आप कह सकते हो, लेकिन बस यही मेरी एक छोटी सी बिजनेस अर्निंग है। उससे अगर आप, अगर लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब से कमा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पे मेरा भी कोई भी मेरा प्रायोरिटी सोर्स इनकम सोर्स नहीं है, कभी होगा तो ऊपर वाले के हाथ में। भाई योगा गर्ल बताओ भाई, नाम में योगा गर्ल है साड़ा है भाई, आपका गवर्नमेंट जॉब करने का मन नहीं है क्या, लाइक IAS SI DSP? ये क्या बात हुई, मतलब ये नौकरी जो कर मेरे घर के आगे पड़ी है, बस मैं करता है को ना, बस ऑफर लेटर दे रहा है, ठाके साइन करना है। योग किसा सवाल था, मतलब ये सवाल करते टाइम आप किस मानसिक स्थिति में थे, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रही,
बट चलो अब सवाल कर लिया तो जवाब दे देता हूँ भाई। सच बताऊँ मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि यारा ने अपना लेवल बेरा था, हमने कितनी की पढ़ाई कर रखी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी थी, सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी थी, उसके बिना फॉर्म भरते रहो मेरे को लगता है बहुत यूजलेस है भाई, तो मैंने वो काम कभी नहीं करा। और कोचिंग लेने की और पढ़ाई करने की हुई हिम्मत ना हुई, बी टेक करते करते मतलब किताब बातें थोड़ा सा बेहर सा हो गया था तो वो नहीं करा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, बाकी जो सवाल बच जाएंगे या अभी और भी आने लग रहे होंगे तो उनको कवर करेंगे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में कुछ भी मतलब स्वाद बैठा हो तो वही सेम बात है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में बेधड़क भेज दिया करो, क्योंकि अपने होते हैं बिल्कुल पारिवारिक वेजिटेरियन व्लॉग्स, ठीक है? तो बिंदास शेयर मार दिया करो, सपोर्ट करो यार, मतलब 10 के हो नहीं पा रहे हमसे, बंद कर दूंगा चैनल, ये चाहते हो? चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, अगर मेजॉरिटी कमेंट आएंगे यस बंद कर दें तो ईमानदारी से कह रहा हूँ बंद कर देंगे चैनल, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।